मैं चला हूँ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी के पास। तो सर, जिला अधिकारी महोदय से आप मिले थे, आज आपकी क्या वार्तालाप हुई थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला था तो उसमें एक तो कल वाला विषय था जो हाथरस के ज्ञानी अग्रवाल टिम्बर व्यवसायी जो इस समय कोरोना से संक्रमित हैं और उनके परिवार को सीएमओ के द्वारा नितांत झूठी FIR दर्ज उनके परिवार के ऊपर कर दी गई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस सीएमओ कृत्य की, जो सीएमओ ने इस समय बहुत घनौना कृत्य किया है, मैं इसकी घोर, इसने जो पाप किया है, ये महापाप किया है इस संकट की घड़ी में। सीएमओ की शिकायतों पहले भी आपको पता होगा कि मैंने माननीय सांसद जी से कर दी थी, माननीय प्रभारी मंत्री से कर दी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कर दी, बाकी सारे जनप्रतिनिधियों को इसकी कृत्य के बारे में पता है, पहले से मैं अवगत कराता रहा हूँ। और सर, हाथरस में इस समय सीएमओ जो है इस समय काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर लोग पूरा हाथरस में कह रहा हूँ कि पूरा हाथरस व्यापारी सभी लोग उनके विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएमओ गलत काम करेंगे तो विरोध तो उनको 100 बार झेलना पड़ेगा, 12 बार झेलना पड़ेगा, 1000 बार झेलना पड़ेगा। सीएमओ साहब, अब लॉकडाउन के आसपास ही आपका यहाँ से बोरिया बस्तर बंधने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपने जनता के साथ इतना गलत काम किया है, उन व्यापारियों के साथ, आप अपनी तैयारी कर लें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, अपना हाथ से मैं सौरभ जी।